कश्मीर निकाय इस्लामाबाद, आज और बैठक चल रही थी अंदर, हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, आने वाले इलेक्शनों में हम कैसे पहुंचे। क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि बीजेपी को बेवकूफ बना रहे हो? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाने वाली पार्टी नहीं है? आपको लगता है मीटिंग बुला रहे हैं, मीटिंग आज इलेक्शन सर पे आ गए हैं, हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आप सुनिए, मीर साहब आए, ये प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे आराम से, आप लोग सुनिए। हमारा मीटिंग आज था यहाँ पर, जिन्हें जीएम मीर साहब आपको प्रेस ब्रीफिंग बताएंगे, जो अंदर फैसला हुआ कि मीर साहब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे मीडिया के सामने, बाकी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्या बताएंगे आप? मीर साहब आप देखिए, आप सुनना क्या चाहते हो? मुझे बताइए कि कहीं एक दिनों से इवन हफ्तों से आप मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ यहाँ पर, यहाँ राजबाग में भी आपने मीटिंग बुलाई थी, कहीं एक लीडर दिल्ली से मीटिंग चलते सफल भी हुआ, आप मीटिंग किस लिए कर रहे हैं? देखो वो अलग बात है, हम क्यों मीटिंग करते हैं वो बात अलग है। पार्टी में हम रहे हैं, इकट्ठे हैं, कुछ डिफरेंसेस कभी कभार होते भी हैं, उनको पाई तकमील पहुंचाना। डिफरेंसेस क्या है वो आप हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं बता नहीं, सकते? दैट इज आवर इंटरनल मैटर, दैट इज आवर इंटरनल मैटर, नथिंग फॉर, नो कमेंट्स फॉर दैट। यू आर लिविंग दिस पार्टी? नो, नो वन, नो वन, यू आर होल्ड, नो वन, नो वन, नो वन इज लिविंग द पार्टी, बी श्योर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये मुझे बताइए, दिल से बोल रहे हैं आप भारतीय जनता? बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। आपने किस यहाँ से बोल? यहाँ पर तो बड़े 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 लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। तो मैंने कहा आपको, मैंने कहा हम इस पार्टी की भलाई के लिए बार बार मीटिंगें करते रहेंगे और करते भी हैं। बीच बीच में हमारे अपने मसाइल भी उठते हैं, उन पे भी निगाह डाली जाती है। मसले क्या है वो हम नहीं कहने कहेंगे। आप तो दैट इज नॉट फॉर प्रेस। नथिंग फॉर प्रेस, नथिंग फॉर प्रेस। कुछ लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के जो, ये तो इस सवाल का जवाब मैं, इस सवाल का जवाब मैं, इस सवाल का जवाब मैं आपको एक ही दूंगा कि हम पार्टी, कोई बंदा यहाँ पार्टी नहीं छोड़ रहा है, बीजेपी हमारे दिलों में बसी है और बसती रहे। सर लेकिन कहते हैं कि पार्टी में ही दूसरी पार्टियां तैयार की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं, आपके हर जगह पार्टियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है क्या? कश्मीर में जो अफवाह होती है वो कहीं ना कहीं सही, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, आप हकीकत सुनिए। यहाँ हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही रहेगा। नहीं, मुझे बताइए कि रिशफल क्यों हुआ आपके, कहीं एक लीडर जो है जम्मू वापस बुलाया? अरे हमारे डिफरेंसेस थे, हमने अपने पार्टी नेताओं को बताया, उनको उन्होंने जो मुनासिब समझा। आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस है लेकिन दूसरे से कुछ बताना नहीं चाहते? नहीं चाहिए, नहीं नहीं करेंगे, नॉट फॉर पब्लिक, नॉट फॉर पब्लिक माय डियर, नॉट फॉर पब्लिक। नहीं, मुझे बताइए क्या आपको वो इकदार नहीं मिलता है जो जम्मू वालों को मिल रहा है? सब कुछ मिलता है यहाँ पर, तो एवरीथिंग। प्लीज प्लीज, जो डोमिनेट कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसको डोमिनेट करते हैं, इसलिए आप लोग तंग आके ये मीटिंग्स कर रहे हैं। नहीं, किसे कहा आपको ये डोमिनेट करते हैं? किसने कहा? हमारी पार्टी में सबसे बड़ी बात जो आपको पता है क्या है? दैट्स इंटरनल डेमोक्रेसी, इट्स इंटरनल डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाई क्या आप हमें ये सवाल पूछते हैं? डेमोक्रेसी अगर है, तो आपको वो पोस्ट क्यों नहीं मिले हैं जो जम्मू वालों को मिले हैं? मिले हैं, मिले हैं, एक ही वाइस प्रेसिडेंट है आपका, मिले हैं, जनरल सेक्रेटरी पांच हैं, मिले हैं, मिले हैं, मिले। ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। तो आज थोड़ा सा खुल, ये बहुत छोटी बातें हैं, छुपा रहे हैं मीडिया को, कुछ छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं छुपा रहे हैं। बताइए ना क्या मसला, आपको आपको मसला ये है कि बताना चाहते हैं वो दिल्ली तक भी पहुंचाएगा, आप बताइए हमारे मॉडल के। उनको पता है, दिल्ली वालों को पता है हम उनको क्या बताने जा रहे हैं, उनको भी पता है। तो हमें भी पता है, दिल्ली नाराज है? नहीं, दिल्ली हमारी नाराज नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हम दिल्ली जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बताइए, बस इतना बताया ना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली क्यों जाएंगे सर? मुलाकात करें, मुलाकात करें, मुलाकात करें। दिल्ली से दूरियां बढ़ रही हैं क्या? नहीं नहीं, दिल्ली से ज्यादा नजदीकियां बन रही हैं। सर दिल्ली क्यों जाएंगे? दिल्ली से ज्यादा नजदीकियां बन रही हैं, इसलिए जा रहे हैं। जा रहे हैं, आपको ऑफर्स भी मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अपनी पार्टी से ऑफर्स मिल रहे हैं पार्टी को ज्वाइन करने? वो उनसे पूछे जो आपको कहते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिलहाल अगर देखेंगे तो आज मीटिंग में आप लोगों ने क्या कहा, क्या क्या टाइप आया? मैंने कहा जो आपको कहना था, आप थोड़ा सा बताइए। अननेसेसरली यू आर स्क्रैचिंग द थिंग्स, अननेसेसरली, यस, इट्स एनफ, बाय। तो आपने देखा कि बीजेपी कोई भी जो है इसके लिए तैयार नहीं है बोलने के लिए कि एक्चुअली मैं ये मीटिंग पर मीटिंग क्यों बुला रहे हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो कश्मीर कैडर के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर करीब करीब सुबह से ये मीटिंग चल रही थी और उसमें हमने देखा कि पिछली बार यहाँ पर कुछ लीडर जो है वो यहाँ से रिशफल भी हुए। उसमें जम्मू के कुछ लीडर जो है वो रिशफल हुए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप ये मत बताइए हमें कि
मीटिंग किस लिए थी? अगरचे यहाँ पर इनका कहना है कि ये मीटिंग उस लिए नहीं थी, जबकि पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बीजेपी के कहीं एक लीडर जो है वो रिजाइन करना चाहते हैं, और रिजाइन के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये विजुअल्स यहाँ पर अभी अंदर से आप देख रहे हैं कि जहाँ पर अभी भी मीटिंग हो रही है और मीटिंग बिल्कुल जारी है, उसमें कोई भी लीडर जो है वो खुलकर नहीं बोल रहा है। अगरचे उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली जाना क्यों है, दिल्ली जाना क्यों है ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो दिल्ली क्यों जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो ऋषभपुर क्यों? आसिफ साहब दो मिनट लेंगे आपसे, ये थोड़ा सा बताइए कि मीटिंग क्यों नहीं, मीटिंग क्यों आप लोगों ने बुलाई थी, खुलकर कोई नहीं बोल रहा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी में कुछ गलत लोग आ गए हैं जिनके खिलाफ हमने ये विरोध किया है, और पार्टी के साथ हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमने इस पार्टी को खून से सींचा है। हमने 34 लोगों की शहादत दी है, हमारे अभी भी यहाँ लोग ऐसे हैं जिनको गोलियां आई है। हमें आज कोई न सिखाए तिरंगे की वैल्यू क्या है, हमने ये 93 में देखा है। हमने भारत का तिरंगा अपने कंधों पर उस वक्त यहाँ उठाया है जब यहाँ भारत विरोधी ताकतें काम कर रही थी। आज कौन आपके बीच में आ रहा है फिर? और जो लोग आज आर्मी के सोर्स और दूसरे एजेंसी के लोग भारतीय जनता पार्टी में घुसना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो हम करने नहीं देंगे। खुलकर नहीं बता, बाकी हमारे साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मरने के दम तक रहेंगे। देखिए ये हमारे पार्टी के अंदर जो मसला है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टी के साथ एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी कुछ गलतियों की वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आकर पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे। दिल्ली हम जा रहे हैं पूरे संगठन को मिलने के लिए, आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए ये इंटरनल मसला हमारा है, पार्टी का है, जो भी मसले होंगे वो हम दिल्ली सेंट्रल आप कश्मीर से दिल्ली तक दूरी खत्म हो गई है, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जब हम जाएंगे वहां संगठन से बात करके आपको सभी सवाल का जवाब दी। अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी, देखिए दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री बैठे हैं, हमारे पार्टी संगठन के जो प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के, जेपी नड्डा साहब, बीएल संतोष साहब, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वहां बैठे हैं, उनके साथ बात करके इंशाल्लाह आपके सामने फिर मीडिया में हम पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। एक सवाल आपने बताया था, अगर उन आप वहां पर जाएंगे डिमांड्स आपकी वो पूरी नहीं करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए बच्चे को जब धक्का लगता है वो माँ बाप के पास ही जाता है और किसी के पास नहीं। हमारे माँ बाप वहां बैठे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हमारे लीडरशिप है हमारी, उनके सामने हम बच्चे जाएंगे, वो हमें नाराज नहीं करेंगे। चलिए इन्होंने बताया कि बीजेपी इनकी माँ बाप की तरह है और अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएगी तो उसके बाद वो सोचेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ ना कुछ है जो अंदर पक रहा है, लेकिन कोई भी इसमें बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में इंटीरियर मैटर्स क्या है और उसमें ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं, और दिल्ली अगर जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अंदर ही है लेकिन बाहर नहीं आ रहे, हम चाहते थे कि यहाँ पर उनसे भी बात करें लेकिन यहाँ पर हमें अलाउ नहीं है कि वहाँ पर अंदर जाए, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर अंदर पक रहा है और उसमें देख सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर बीजेपी लीडर्स की जो है वो अंदर बैठी है। उसमें हम चाहेंगे कि अगर कोई और लीडर यहाँ पर बाहर आता है तो हम उनसे भी बात करें, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसकी अभी पर्दादारी है, और यहाँ पर पर्दादारी किस चीज़ की है वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कश्मीर के तमाम कैडर जो है बीजेपी के वो यहाँ पर आए हैं और मीटिंग बिल्कुल अभी बर्खास्त हुई है। अभी सोफी साहब भी बाहर आ रहे हैं, हम चाहेंगे इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सोफी साहब, हाँ सोफी साहब थोड़ा सा बाहर आइए, आपसे भी बात करेंगे। बाहर आइए, आपका इंतजार बड़ी देर से हो रही है। जी बताइए सोफी साहब, मीटिंग्स हो रही हैं
और ये तजाजुब लोगों में पैदा हो रहा है कि आखिर बीजेपी में हो क्या रहा है? बीजेपी जिंदाबाद सर, क्या बात है, बीजेपी के प्रोग्राम उसकी मिलेंगे। आप हो रहे हैं बीजेपी? हाँ हाँ, दिल से बीजेपी जिंदाबाद। देखिए आप अभी मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ से रिशफल बीजेपी लीडर्स को किया जा रहा है, आप दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग? वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमें ऑर्गेनाइजेशन ने काम दिया है कि आप पार्टी के प्रोग्राम को देखिए। आपने देखा कल मन की बात, हमारे नरेंद्र मोदी देश के लोगों को कहते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने सुनी। नरेंद्र मोदी जी कभी मन की बात में पार्टी की बात नहीं करते, देश की बात करते, देश के वीरों की बात करते। अभी की मीटिंग के बारे में तो उसी सिलसिले में जो हमारे प्रोग्राम्स है, उस उन प्रोग्राम्स के हवाले से मीटिंग थी। और उसके बाद अगर हमारे अगर हमारे कहीं लीडरों की कोई ग्रीवेंसेज है, वो पार्टी हाईकमांड तक पहुंचाना है वो जरूरी होता है पार्टी में। लीडर्स तो अभी कह रहे हैं कि हमारी डिफरेंसेस कुछ है जो हम दिल्ली जाकर दूर करेंगे, अगर दिल्ली में वो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएगी। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, अलबत्ता इतना है कि हमारे पार्टी के प्रोग्राम है। कुछ किया जाता है यहाँ पर लीडर्स को, वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमारा काम नहीं है। वो आप कौल साहब से पूछ सकते हैं, वो आप रविंद्र रैना जी से पूछ सकते हैं आप। अलबत्ता हम वाइस प्रेसिडेंट है सर जी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैंने इस मीटिंग की सदारत की है, प्रोग्राम थे पार्टी के, उन सिलसिले में बात थी। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान ने कुछ अपनी ग्रीवेंसेस बताई, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और बाकी चीज़ें। उन्हीं बातों को लेके अगर कार्यकर्ता लोग हमारे लीडर दिल्ली जाएं तो उसमें ऐतराज़ क्या है? ऐतराज़ कोई नहीं है, लेकिन आपके ही लीडर बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस है। कोई डिफरेंसेस नहीं है जनाब, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कुछ ग्रीवेंसेस है। वही ग्रीवेंसेस क्या? ग्रीवेंसेस यही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहीं प्रोटोकॉल मिलता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को क्यों नहीं मिलता है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही होता है। या आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कम है, जनरल सेक्रेटरीज कम है, जम्मू में ज्यादा है? अरे नहीं, ये लड़ाई है। नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कश्मीर में 10-10 है, पूरे 10 है, ये लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अलबत्ता पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, वो आवाम के सामने शेयर करना नहीं होता है। आप हमारे मीडिया कर्मी है, आप डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो, हम आपको बताते हैं, बींग ए वाइस प्रेसिडेंट मैं बताता हूँ आपको, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस है, उन ग्रीवेंसेस को पार्टी हाईकमांड तक पहुंचाना क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व बनता है अपनी दिल की बात रखना। आज तो कम्युनिकेशन का दौर है, बड़ा स्पीडी जो है, हर एक जगह चीज पहुंच जाती है, आप वो ग्रीवेंसेस हमारे थ्रू क्यों नहीं बता रहे? नहीं, आपके थ्रू क्यों बताइए, हमें ऑर्गेनाइजेशन अंदरूनी मामले होते हैं तो आपको क्यों बताइए? देखिए लोगों की डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बता देंगे, हमने लोगों के लिए क्या किया वो हम सब क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आप छुपा रहे हैं, लेकिन आपके मन की बात नहीं सुनी जा रही, ऐसा लोग समझते हैं। नहीं नहीं, मन की बात ये देखो, आप सारे लीडर कश्मीर के यहाँ पे है, आपने नहीं देखा सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सारे प्रभारी है, सारे बीडीसी चेयरमैन है हमारे। कई दिनों से बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है, बीजेपी के कितने भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों से जब से यहाँ पर रिशफल हुआ, उससे पहले जो मीटिंग बुलाई थी आपने, तब से तो कोई प्रोग्राम आपने किया नहीं। बहुत सारे प्रोग्राम किए, या तो आप श्रीनगर में भी किए जनाब, क्या बात करते हैं आपने, कोई डिफरेंसेस नहीं है भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक होगा आने वाले दिन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से ये कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली ये जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं ये बताना ये ज़रूरी नहीं समझते हैं, ये बता रहा है कि ग्रीवेंसेस है, लेकिन वो ग्रीवेंसेस क्या है वो हम भी जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी कहीं एक लीडर जो है यहाँ पर अंदर ही बैठे हैं, हम चाहते थे कि यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर है वो उनसे बात करें, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस लिहाज से हम बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ है जो अंदर है। लेकिन यहाँ पर आपको जाना दिखाएगा कि यहाँ पर जो विजुअल्स है, तमाम कश्मीर के जो लीडर्स है। अनवर साहब गवर्नमेंट लेंगे हम, क्या मीटिंग क्यों आपने मीटिंग बुलाई थी? मीटिंगें तो हर दिन होती रहती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर दिन मीटिंग होती है। कश्मीर कैडर जो है वो यहाँ पर आया? नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, कश्मीर कैडर एक जगह जमा हुआ है, आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, अभी यूएलबी के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है। आपके तो वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि कुछ ग्रीवेंसेस है? नहीं, ग्रीवेंसेस पार्टी में होते हैं, घर में भी आपस में दो भाइयों को कुछ ना कुछ होते हैं, बाकी पार्टी ने बहुत हद तक हमारा जो
जो हमारी डिमांडें हैं वो सुनी भी, इंशाल्लाह आगे भी सुनेगी। और आपको आपने सुना ही होगा, अभी तो हम दिल्ली में जा रहे हैं, पूरे हमारी टीम जो है पूरे लीडर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो कोई दिल्ली बात रखने के लिए जा रहे हैं, जो इंटरनल आपस में थोड़ा बहुत कुछ है। अच्छा, वो हाँ, जो गंद साफ करने के लिए यहाँ कुछ गंद मची है उसको साफ करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बीजेपी में हैं और किसमें हैं, इंशाल्लाह वो बीजेपी में गंद मचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गंद मचा रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत अगर बहुत जल्दी ठीक होगा इंशाल्लाह। चलिए, ये थोड़ा सा हमें थोड़ा क्ल्यू मिला कि यहाँ पर बीजेपी में कुछ गंद है और वो गंद साफ करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से कुछ इशारे मिल रहे हैं तो कुछ है, लेकिन यहाँ पर खुलकर कोई बता नहीं रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है उनसे बात करें, लेकिन जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मीटिंग जो है इख्तिताम पजीर हुई है, तो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर है इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, अभी हमने कहीं एक लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ गंद है जो बीजेपी में है जो हम साफ करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही है जिन्होंने शुरू से यहाँ काम शुरू कर दिए, और जहाँ तक कल मीडिया हाउसेज में कोई रिजिग्नेशन, मीडिया में कल रिजिग्नेशन की बात हो रही, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम पार्टी के सिपाही है और पार्टी की स्ट्रेंथन और पार्टी की फलाह बहबूद के लिए सिपाही है, लेकिन हम गिरने वाले, इस तरह से लोगों ने अभी कहा बाहर बंदूक नहीं है, क्योंकि मैं बंदूक नहीं, मेरे हाथ में तोप है, और ये तोप उन दुश्मनों को मिटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, चाहे वो सिस्टम के अंदर बैठे हो चाहे सिस्टम के बाहर हो, हम दोनों को यही वार्निंग देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर में हर घर में मौजूद है, हर बूथ पे मौजूद है, और किसी भी ताकत को हम इसके साथ छेड़ने नहीं देंगे। एक महीने से आप यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि हम एक तरह से प्रोटेस्ट पर ही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि वहां से कोई भी जवाब आपको, देखिए कोई हम प्रोटेस्ट पे नहीं है, हम पार्टी की जो रूटीन वर्क होती है, जो अभी वोटर महाचेतना अभियान चल रहा था उस सिलसिले में आज बैठे थे, और जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई रेस्पॉन्स, देखिए हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट साहब यहां आए, उनसे बात हुई, कुछ इशू सॉल्व हुए, हमें अपनी जो स्टेट लीडरशिप है उन पे हमें फेथ है, उन पे हमें यकीन है, उन पे हमें भरोसा है, और उसके बाद हमारे नेशनल जनरल और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज श्री तरुण चुग जी भी आए, उनसे भी हमारी बात हुई, ऐसी बात नहीं है, बाहर क्या अफवाहें फैल रही है, लेकिन हमें पता है कि पार्टी हमारे साथ खड़ी है और हम पार्टी के साथ खड़ी है, कोई दुख तकलीफ अगर होगा तो वो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप वो दूर करेगी। मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट हमारे जनरल सेक्रेटरी उन पे मैं भरोसा रखता हूँ उन पे भरोसा हमें, और हम पूरी यकीन और जो फेथ के साथ उन पे भरोसा कर रहे हैं, जितने छोटे छोटे इश्यूज होंगे जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, और ऐसी जो पार्टी छोड़ने की बात है वो उधर उधर जाने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। तो पार्टी से अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो क्या ये समझे कि पार्टीज में भी पार्टियां बन रही हैं अलग? नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी के जो कश्मीर का वर्कर है उसके हौसले हिमालय से बुलंद है और चट्टान से ज्यादा सख्त उसके बुलंद, कोई अलग अलग बयानबाजी नहीं आ रही है। ठीक है, अब कोई अपनी कैपेसिटी में कोई दे रहा है, लेकिन मैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन होकर नाते यही कह रहा, कोई भेदभाव नहीं, कोई फूट नहीं पार्टी में, पार्टी एक है और एक साथ काम कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी को कुछ चंद एक लोग जो है वो हाईजैक कर रहे हैं और सारे काम वही करते हैं, इसलिए जो बाकी लोग हैं जो आज मीटिंग्स कर रहे हैं ये उन्हीं के खिलाफ मीटिंग्स हैं। ये मेरी माटी मेरा देश है, और यहाँ वही लीडर है जो ग्राउंड पे होगा, कोई हाईजैक नहीं कर रहा है और न किसी को हाईजैक करने की जरूरत है। पार्टी में एक डिसिप्लिन है और एक जिम्मेदारी के साथ पार्टी में हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है, हम अपनी जिम्मेदारी जो हमें दी गई है उस पर हम काम कर रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ नए लीडर्स आए हैं और एकदम से मोस्ट वेलकम है, हमने ज्वाइनिंग का अभियान शुरू कर दिया है, हम नए लड़के आए हम उनका वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी में आ जाए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ मसाइल अगर हो सकते हैं तो ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हमारे, कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है इसलिए आप नाराज हैं? कोई कुर्बानी हमारी फरामोश नहीं हो रही है, जम्मू से लेकर दिल्ली तक हमारी कुर्बानियां याद है, 90s में जिन लोगों ने ज्वाइन किया, 90s के बाद 2000 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और जो 34 शहीद यहाँ कश्मीर में हुए हैं उनकी कुर्बानियों को देश सलाम करता है, भारतीय जनता पार्टी उनको सलाम करती है, कोई हमारी कुर्बानियों को भूल नहीं रहा। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जम्मू में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जनरल सेक्रेटरीज हैं,
जम्मू में कहीं एक ऐसे लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, आपका यहाँ पर क्या वो लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाइस? देखिए हमारी वो लड़ाई, देखिए हमारी, देखिए हमारी वो लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, और ना जो ये लोग सोचते हैं वो हमारी लड़ाई नहीं है। जम्मू की लीडरशिप हमारे सराखों पे है, हमारे बड़े बड़े, हमारे बड़े बड़े, सुनिए ना, हमारे बड़े बड़े लीडर है, हमारे रविंद्र राणा जी है, कोल साहब है, डॉक्टर निर्मल सिंह है, कविंदर गुप्ता, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, आइए ना कश्मीर आके, यहाँ उनसे एक लहर पैदा होती है और हम चाहते हैं वो यहाँ कश्मीर आके एक लहर पैदा करे। अब जो ये लड़ाई कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक है, यह कोई लड़ाई नहीं है, कुछ इश्यूज है, कुछ सालों हुए हैं, कुछ सालों होने वाले हैं, बाकी कोई नाराजगी हमारी पार्टी के साथ नहीं है। नहीं, आप वक्त आने पे वो भी आपको नहीं होते इशू, क्या रहेगा? तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो अंदर पक रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लीडर्स ने इशारा दिया कि यहाँ पर दिल्ली वो जा रहे हैं, अपने जितने भी यहाँ पर ग्रीवेंस है उनको मनवाने की कोशिश वहां पर दिल्ली में की जाएगी, लेकिन अभी क्या किस लिए यहाँ पर मीटिंग्स बुलाई जा रही है वो अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ उन्होंने कहा कि अंदर पार्टी में जिस तरह से कुछ लीडर्स ने कहा है कि गंद मची हुई है उनको हम साफ करेंगे, अगरचे यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विद इन पार्टी और आउटसाइड पार्टी में भी इस तरह के जो गंद मची हुई है उनको भी हम साफ करेंगे, लेकिन अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दिल्ली पहुंचकर ये इनको दिल्ली में क्या मिलता है, या दिल्ली आकर क्या फिर से इसी तरह का मीटिंग का सिलसिला वो जारी रहेगा, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। फिरदौस लाइव जानावानी, जेके न्यूज़ शुरू से।